आज उर्दू तकरीर पेश करने के लिए आलिया परवीन वस्तानिया सोम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। गलत इल्जाम है हम पर कि वफादारी नहीं करते, गलत इल्जाम है हम पर कि वफादारी नहीं करते। अरे हम मोहब्बत बांटते हैं, गद्दारी नहीं करते, गद्दारी नहीं करते। बुरा वक्त जब कभी आया है वतन पर ए वतन वालों, बुरा वक्त जब कभी आया है वतन पर ए वतन वालों, हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते, गद्दारी नहीं करते। मैं जश्न यौम जमहूरिया के इस मौके पर चंद बातें आपके सामने अर्ज करना चाहती हूँ। आप सब बहुसने खूबी वाकिफ हैं कि आज हम सब अपने वतन अजीज का 75वां यौम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं। और हिंदुस्तान की तारीख में ये जश्न यौम जमहूरिया 1950 से बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सामेईन हज़रात, हमारे मुल्क को आज़ाद करने के लिए खुसूसन आलमा और उमूमन तमाम मज़हब के लोगों ने बहुत ही जद्दोजहद की, और 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। लिहाजा मुल्क को बेहतर बनाने और बहुत तरीके से चलाने के लिए एक दस्तूर, एक आइन ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ मज़हब के मानने और मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग रहते थे। लिहाजा हमारे मुसलमान रहनुमाओं की क़ियादत और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे मुल्क का आइन बनकर तैयार हुआ। और 26 जनवरी 1950 को इसे हमारे मुल्क में नाफिज किया गया। इसीलिए हम सब इस तकरीब का अहतमाम करते हैं और हमारे असलाफ को जिन्होंने वतन अजीज की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया, तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनकी याद में गीत और तकरीरें वगैरह पेश करते हैं। लिहाजा हमारा फर्ज बनता है कि हम उन तमाम कुर्बानियों को ज़ाया ना करें, बल्कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरह तरह की रिश्वतखोरी और हर बुरी चीज़ों से पाको साफ रखें। और हम अहद करें कि अपने आप को इस मकाम तक ले जाएंगे जहाँ फर्द की तरक्की के साथ साथ हमारे मुल्क का नाम भी रोशन हो। मैं जब मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।